देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट फॉर कोरोना डिजीज प्रिवेंशन इज द ओनली चॉइस। पल्स हॉस्पिटल व श्री साईं गणेश क्लिनिक द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया। यहां विशेष रूप से हड्डी रोग की भी जांच की गई। आमतौर पर इस जांच के लिए 2000 रुपये तक फीस ली जाती है और साथ ही रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने वाली दवा भी मुफ्त वितरित की गई। इस शिविर का लाभ लगभग 200 से ज़्यादा लोगों ने लिया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। डॉक्टर, क्या ये आज कैंप लगाया आपने? ये कैंप लगाया कि जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना का बीमारी चला हुआ है, तो इसमें ज़्यादा सफ़र वो लोग हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसको मजबूत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसके संपर्क में आ जाएं हमें कुछ पता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में है प्रिवेंशन। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, हम लोगों के कॉन्टेक्ट में कम रहें, लोगों से दूरी बना के रखें और हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। उसके लिए हमें योगा करना है। कुछ हम लोग सलाह दे रहे हैं लोगों को कि भाई आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने लंग के पावर को प्राणायाम वगैरह करके वो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे जिंक है, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है। यहाँ पे हम लोगों के कैल्शियम की कमी, बोन डेंसिटी की अगर कमी हो रही है तो उसको जांच करवा रहे हैं फ्री में, जो कि बड़े हॉस्पिटल में कराएंगे 1500 से 2000 में होता है, वो हम लोग फ्री में करा रहे हैं। जिनको तकलीफ है उनको हम कैल्शियम की दवाई फ्री में दे रहे हैं 1-1 महीने की, बाकी जिंक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन दे रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे बीमारी से लड़ने की ताकत मजबूत करनी है, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया हमारे लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमारे हाथ में ये जो दो चीज़ें हैं, योगा और हमारा खान पान, और हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए जाए। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हमने कैसे भी करके अवेलेबल करा के लोगों को दिया है कि लोग नहीं खरीद पाए उनको हम मदद करना चाहते हैं। ये होम्योपैथी करने से देखिए पैथी अलग अलग होती है, बट चीज़ें वैसी ही होती है, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है और ये हमारा जो है ये इम्यूनिटी बढ़ाने की, एलोपैथी दवाई हम यहाँ पे दे रहे हैं और होम्योपैथी है, दोनों का अपना अपना रोल है और दोनों एक ही काम करने वाले हैं, तो उसके साथ में जो वो ले रहे हैं वो भी ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। आपको क्या लगता है कोरोना कब तक जाएगा? कोरोना अभी ऐसा हो गया कि इसमें तो पहले कहा जाता था कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर है, लेकिन इसमें तो कैसा है, प्रिवेंशन ही चॉइस है। हमको प्रिवेंट करना है, इसमें हमें बचना है, क्योंकि अगर हम लोगों के संपर्क में आएंगे तो फिर वो गड़बड़ होने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों को कांटेक्ट में कम रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग बिना काम की भी वो कर रहे हैं, उसको आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत सारे हॉस्पिटल के स्टाफ बीमार हो जाते जा रहे हैं, डॉक्टर लोग बीमार हो गए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, तो क्या हो रहा है, जिनके घर के परिवार के जिनके लोग मरे हैं उनसे वो लोग तकलीफ में है, लेकिन बाकी लोगों को क्या लग रहा है कि भाई इतने वो डर नहीं रहे हैं, उनको ऐसा डर नहीं है उनके अंदर, लेकिन जब हो जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाती है, इसीलिए हमें बचना है। हाँ, तब है कि वहाँ जो यहाँ के जितने बीमार लोग हैं वो भी ठीक हो जा रहे हैं, अगर यंग एज है उनका इम्यूनिटी अच्छा है तो बीमारी से इतनी डरने की भी ज़रूरत नहीं है, सबके लिए जानलेवा नहीं है, अपने को प्रिवेंट करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हम हो जाएंगे, हमें बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बनना है। हाँ, तब है कि जो डॉक्टर लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो लोग फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहे हैं उनको हमें सहयोग करना है और जो गवर्नमेंट के आदेश हैं, जो गवर्नमेंट बता रहे हैं रेगुलेशंस वगैरह, उनको फॉलो करना है और अपना ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। बड़े का, बच्चों का, बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखना है, उनको बाहर नहीं निकलना है। इसमें आज से 15 दिन तक जो वसई विहार में आंकड़ा था 5-7-10 मरीज आते थे, आज 90-100 तक हो गया आंकड़ा, तो क्या रीज़न मानते हैं? रीज़न ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि मैं बाहर आऊँगा मुझे नहीं होगा, उनको ये लगता है कि मैं आऊँगा मुझे नहीं होगा, और उनके अंदर कुछ लोगों का ये लगता है कि नहीं यार वो बिना काम के भी आते हैं। मुझे लगता है कि चलो भाई वो कुछ ऐसे आपके काम है तो आइए, लेकिन बिना काम के नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ लोग सिगरेट पीने के लिए बाहर आके नीचे पीते रहते हैं, ऐसे लोग फ़ोन पे टहलते टहलते बात करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हमें वो करना चाहिए, क्योंकि एक महामारी अगर फैल गई और ऑलरेडी हम लोग 4th नंबर पर आ चुके हैं, हम लोग 1st नंबर पर चले जाएंगे तो क्या हाल होगा। अभी इतना लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ, गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने हमारे भलाई के लिए किया हुआ है, गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। अगर हमें हो जाए तो लास्ट में गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ी बोझ आई हुई है, लोगों को फ्री में टेस्ट करवाए जा रहे हैं और बाहर कराने पे 4,500 है, सब लोग नहीं करवा पा रहे, तो इस सिचुएशन को समझना होगा, हमें उसको लापरवाही नहीं दिखानी है। अगर हम लापरवाही करेंगे, हमसे मिलके ही तो देश बना है, हमें एक एक जन को अपने कर्तव्य निभाना पड़ेगा तो ही हम इसको रोक पाएंगे। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, सिर्फ प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और हेल्थ वर्कर की नहीं है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, हम लोग को अपना रोल अदा करना पड़ेगा तभी जाके हम इसे रोक पाएंगे। ये अभी हम जैसे इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं उसके हम बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, तो अभी कैसा है, बस के लिए भी रूल है, लेकिन कैसा होता है पब्लिक जब बस में बैठने की बात आती है
तो ध्यान नहीं दे रही है, कार में ज़्यादा लोग बैठ के जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए, दो बाइक पे भी दो लोग नहीं बैठेंगे ऐसा रूल है, बट हमारे पास भी इतने सारे पुलिस फोर्स नहीं है कि सब लोगों को हम लोग रोक पाएँ। तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे पुलिस वालों को देख के हम डिसिप्लिन में आते हैं वो हमारा गलत भावना है। हमें खुद ही डिसिप्लिन में रहना है क्योंकि बीमारी से मुझे बचना है, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले के वजह से हम ये करें। लेकिन अब इतना इंडिया है, यहाँ पर तो लोग हेलमेट भी इसीलिए पहनते हैं कि पुलिस वाला फाइन मारेगा, उनको हेलमेट इसीलिए पहनना चाहिए कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी जान बचेगी। लेकिन हमारा इंडिया का रूल ही वैसा है, लोगों के मन में ये लगता है कि भाई हेलमेट पहन लो ना तो पुलिस वाला फाइन मारेगा। भाई फाइन का छोड़ो, फाइन तो बहुत कम मारती है पुलिस वाले, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया, सिर में चोट लगी, हमारी जान भी जा सकता है। तो वो इस बात से मैं उसको जोड़ के देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग हैं पुलिस से डर के डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, वैसा नहीं करना है हमें। हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि भाई देखो इस वजह से ऐसा है। जैसे कि मैं हमारे क्लिनिक में कोई आते हैं तो मुझे लगता था कि मैं कैसे बोलूं लोगों कि आप दूर दूर रहो, लेकिन मैंने उनको बोला भाई देखो मैं बहुत लोगों के संपर्क में आता हूं, तो हो सकता है मुझे हो, मैंने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मैं करियर अगर हुआ और आपको हो गया तो तब पब्लिक अच्छे से समझती है। और अभी मैं सेल्फ मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके मैं अपने दवाखाने में इलाज कर रहा हूँ, तो लोगों को बताना है, लोगों को बुरा न लगे अच्छे तरह से समझाना है कि भाई देखो बीमारी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमें आपसे कुछ नफरत नहीं है, हम आपसे दूर नहीं है, हम आपके दिल के करीब है, बट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, तभी जाके हम इसमें इस बीमारी से जीत पाएंगे। आपको क्या लगता है कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है या बाकी है? कम्युनिटी स्प्रेड अभी पूर्णता नहीं माना जाएगा, ICMR ने भी ऐसा ही बोला है कि अभी तक कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ मतलब हेल्थ वर्कर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े थोड़े होते जा रहे हैं अभी, लेकिन ठीक है अभी इंडिया का कंडीशन इतना वर्स नहीं है, अपना इंडिया बहुत हाईली पॉपुलेटेड है इसीलिए हमारा नंबर वो है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बाहर के लोगों के कंपैरिजन में अच्छा है, इसीलिए जितने परसेंट लोगों को अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ, जो कि फ्रांस में हुआ, ब्राज़ील में हुआ है, तो वहाँ के लोगों का परसेंटेज जो डेथ है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारा बहुत ही कम है। इसके पीछे यही है कि हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे जो बाकी सैनिटाइजर ऑफिसर लोग हैं, BMC के लोग हैं, वो लोग पुलिस वाले, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हम बीमारी से जीत जाएंगे, मुझे बहुत पूरा उम्मीद है। लोगों को थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, लोग एक वो ये नहीं समझना पड़ेगा कि नहीं यार मैं डिसिप्लिन क्यों मेंटेन करूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। भाई हम कोई बड़े छोटे नहीं है, हम सब एक हैं, हमें बीमारी से लड़ना है।